सो आज हम हेमरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेमरॉइड्स क्या होता है? इट द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर स्पंजी टिश्यू। क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर स्पंजी टिश्यू। क्या होता है वस्कुलर स्पंजी टिश्यू? कहाँ पे? इन रेक्टल म्यूकोसा। रेक्टल म्यूकोसा। अभी वेस्कुलर स्पंजी टिश्यू से क्या मुराद है? वेस्कुलर आपको पता है क्या? हमारे वेसल्स हैं, हमारे स्मॉल वेसल्स, फॉर एग्जांपल आर्टरी हो गए। तो इसमें क्या आर्टरी होगा, वेन होगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर स्पंजी टिश्यू इन द रेक्टल म्यूकोसा इज कॉल्ड एज हेमरॉइड्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज हेमरॉइड्स। तो इसकी इटियोलॉजी क्या है? ये जो वेस्कुलर स्पंजी टिश्यू बनते हैं ये किस चीज़ की वजह से बनते हैं, तो हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। नंबर वन, ये क्या होता है? एक पंजेनाइटल होता है। और जो नंबर टू होता है वो अदर काजेस। अदर काजेस मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। नंबर वन तो कंजेनाइटल है, ठीक है, और अदर काजेस। नंबर टू अदर काजेस, तो अदर काजेस मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन हम पहले पढ़ते हैं कंजेनाइटल काज के बारे में, कंजेनाइटल में क्या होता है जो हेमरॉइड्स काज करवाते हैं। तो कंजेनाइटल में क्या होता है कि आपके पास एब्सेंस ऑफ द वेल्व्स होते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द वेल्व्स। तो हमारे वेन होते हैं ना, वेन, तो वेन में क्या होते हैं? वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को कंट्रोल करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो है ना वन वे ट्रैफिक का क्या हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है, वन वे ट्रैफिक। तो वेल्व क्या करते हैं? वन वे ट्रैफिक को सपोर्ट करते हैं। जब वेल्व हमारे नहीं होंगे तो वन वे ट्रैफिक जो होगा ना वो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाएगा। तो वो क्या है? नंबर वन कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में क्या है? एब्सेंस ऑफ वेल्व्स। तो जब वेल्व्स नहीं होंगे तो वन वे ट्रैफिक जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो एब्सेंस ऑफ वन वे ट्रैफिक ऑफ ब्लड, ठीक है। और अदर काजेज, अदर काजेज मतलब जो दूसरे काजेज वो हमारे कौन से हो सकते हैं, तो उसमें हमारा आता है नंबर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अदर काजेज। तो अदर काजेज नाम का पहला आता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, अमूमन जो हमारे वेन हो जाते हैं वो क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। तो वेन जब डायलेट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो उसी वजह से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वेन्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं, तो वहाँ से जब स्टूल पास हो जाता है तो वो वेन को क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, ठीक। तो नंबर वन कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाती है किसकी, वस्कुलर स्पंजी टिश्यू की, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर स्पंजी टिश्यू। फिर आप सबको पता है कि हमारा दूसरा काज हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में भी क्या हो सकते हैं, हमारे जो वेन्यूल्स, हमारे जो वेन्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी डायलेट हो जाते हैं, किसकी वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या करता है, हमारे वेंस को डायलेट कर देता है। तो जब स्टूल पास होता है वहाँ से, तो वो क्या करता है, डायलेटेड जो वेंस होते हैं उनको क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके बाद प्रेगनेंसी। नंबर थ्री इज प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे पास हेमरॉइड्स हो सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, CCA, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा मतलब ये कोई भी मेलिग्नेंसी होगी। तो वो मेलिग्नेंसी क्या करेगी, हमारे जो वेंस हैं उनको ब्लॉक कर देगी। तो वो जब जो वेंस ब्लॉक हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगे, और डायलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, और वो ब्लीडिंग क्या होगी, पेनलेस होगी, ठीक है। और उसके अलावा अब ये हो गए हमारे काजेज फॉर हेमरॉइड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन, जब भी पेशेंट आएगा हमारे पास किसका, हेमरॉइड्स का प्रेजेंटेशन, जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा किसका, हेमरॉइड्स का, तो वो आएगा सडन ड्रॉप ऑफ द फ्रेश ब्लड, ठीक है। किस कंप्लेंट से आएगा, इज द पैसेज ऑफ सडन ड्रॉप्स ऑफ द फ्रेश ब्लड इन द स्टूल। जो स्टूल आएगा उसमें क्या होंगे, स्ट्रीक होंगे, उसमें क्या होगा, फ्रेश ब्लड होगा, किसमें, स्टूल में। तो क्या होगा, नंबर वन प्रेजेंटेशन क्या होगा, स्टूल, ब्लड इन द स्टूल मीन्स देर विल बी सडन ड्रॉप ऑफ फ्रेश ब्लड इन, ब्लड इन स्टूल। और वो क्या होगा, नंबर टू, इट विल बी पेनलेस ब्लीडिंग। और क्या होगा, पेनलेस ब्लीडिंग, तो लिखेंगे ब्लीडिंग इज पेनलेस,
यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि हम हेमरॉयड्स और एनल फिशर में कैसे डिफरेंस करेंगे, क्योंकि एनल फिशर में भी क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और हेमरॉयड्स में ब्लीडिंग होती है। तो एनल फिशर में क्या होता है, पेनफुल ब्लीडिंग। एनल फिशर क्या होता है, इफ़ एनल फिशर, अगर यहाँ पे एनल फिशर होता तो क्या होता, पेनफुल ब्लीडिंग। ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है किसके दरमियान में, हेमरॉयड्स और एनल फिशर के दरमियान, क्योंकि एनल फिशर में ब्लीडिंग होती है और हेमरॉयड्स में ब्लीडिंग होती है, मगर हेमरॉयड्स में क्या होती है, पेनलेस ब्लीडिंग, वाइल इफ और एनल फिशर तो क्या होगा, पेनफुल ब्लीडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेरी एनल प्यूराइटस, पेरी एनल प्यूराइटस। और हेमरॉयड्स में हमारे पास क्या होंगे, पेनलेस होते हैं, ठीक है, हेमरॉयड्स क्या होते हैं हमारे पास, पेनलेस होते हैं अनटिल अनलेस वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि हमारे हेमरॉयड जो होंगे वो क्या होंगे, पेनलेस होंगे, अनलेस 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 अनटिल दे आर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हेमरॉयड्स हैं वो क्या है, पेनलेस ब्लीडिंग है। हेमरॉयड्स में क्या है हमारे पास, पेनलेस ब्लीडिंग है। उसके बाद हेमरॉयड्स में भी पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती है, अनलेस अनटिल इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। जब हेमरॉयड्स हमारे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक और सिम्टम जो है ना, प्लस माइनस एक और सिम्टम हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कमिंग आउट ऑफ द एनल केनाल, क्या है वो एक सिम्टम, कमिंग आउट ऑफ एनल, जो इफ़ देयर आर प्रोलेप्स्ड हेमरॉयड्स, कमिंग आउट ऑफ द एनल कैनाल वो उस सूरत में होगा इफ़ देयर आर प्रोलेप्स्ड हेमरॉयड्स, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हेमरॉयड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरॉयड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरॉयड्स हमारे पास नंबर है फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड्स, नंबर वन इज़ फर्स्ट, फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड्स। तो फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड्स में क्या होगा, वो हेमरॉयड जो स्टिल क्या होंगे, स्टिल इनसाइड एनल कैनाल होंगे, ठीक है, इफ़ दे आर इनसाइड द एनल कैनाल, ठीक है, इफ़ दे आर इनसाइड अनटिल इनसाइड द एनल कैनाल, ठीक है। तो वो क्या होंगे, एनल कैनाल से अंदर होंगे, तो फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड्स, हेमरॉयड्स विच आर स्टिल हेमरॉयड्स विच आर स्टिल इनसाइड एनल कैनल, तो उसे हम फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। नंबर थ्री, नंबर टू सॉरी, सेकेंड डिग्री हेमरॉयड्स। तो सेकेंड डिग्री हमारे पास हेमरॉयड्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी, जिसमें जो है ना क्या हो, प्रोलेप्स हो ड्यूरिंग डेफिकेशन। हमारे जो हेमरॉयड्स हैं वो क्या हों, हेमरॉयड्स क्या हों, प्रोलेप्स करें नीचे आए ड्यूरिंग डेफिकेशन, जब हम स्टूल पास कर रहे हैं तब नीचे आए, ठीक है, ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो जैसे डेफिकेशन खत्म हो देयर स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, ठीक है, तो प्रोलेप्स ड्यूरिंग डेफिकेशन, ड्यूरिंग डेफिकेशन के बाद के साथ नीचे आएंगे, और जब हमारा डेफिकेशन क्या होगा, खत्म होगा, डेफिकेशन खत्म होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, तो स्पॉन्टेनियस रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग डिफिकेशन वो क्या आ गया, नीचे आ गया हमारे हेमरॉयड्स, उसके बाद जैसे ही डिफिकेशन खत्म हो गई तो क्या हो गया, वो खत्म हो गए, मतलब हमारे हेमरॉयड जो ना खत्म हो गए, तो उसका मतलब है कि वो रिड्यूस हो गए, खत्म मतलब रिड्यूस हो गए, ठीक है, प्रोलेप्स उनका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। तो क्या होंगे, वो स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, प्रोलेप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट एज डिफिकेशन एंड देर विल बी द स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, देर विल स्पॉन्टेनियन रिडक्शन एज डिफिकेशन एंड्स, एज डिफिकेशन एंड्स, और जब डिफ्यूजन खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस पे जो है ना स्पॉन्टेनियस रिडक्शन में हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारे पास थर्ड डिग्री हेमरॉयड्स, ठीक है, तो थर्ड डिग्री हेमरॉयड्स में हमारे पास प्रोलेप्स जो होंगे ड्यूरिंग डिफिकेशन, सेम प्रोलेप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि सेकंड जो डिग्री होता है हेमरॉयड्स, तो उसमें भी प्रोलेप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन होता है, तो थर्ड डिग्री में भी प्रोलेप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन होता है। जी बिल्कुल, थर्ड डिग्री में भी प्रोलेप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन होता है, मगर इसमें स्पॉन्टेनियस रिडक्शन नहीं होती स्टूल डिफिकेशन एंड होने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोलेप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन एंड आफ्टर डिफिकेशन दे रिक्वायर मैनुअल
रिडक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो स्पुटिनस खुद ही खुद जो है ना वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, प्रोलेप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन होता है, और डिफिकेशन होने के बाद भी क्या होता है, उनको रिक्वायर होना होता है मैनुअल रिडक्शन। मैनुअल रिडक्शन मतलब कैसे, जो पेशेंट है वो अपने हाथ से जो है ना उसको अंदर लेके जाए, हाथ से अंदर लेके जाए, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे मैनुअल रिडक्शन। उसके बाद आए फोर्थ डिग्री हेमरॉइड्स। फोर्थ डिग्री में क्या हो गया, हमारे पास परमानेंटली आउटसाइड होंगे, मतलब मैनुअल रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, पेशेंट ने हाथ से अंदर नहीं लेके जाएगा, ठीक है, नहीं ले जा सकता। तो वो क्या हो गया, परमानेंटली आउटसाइड। हेमरॉइड्स आर परमानेंटली आउटसाइड। तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ डिग्री हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं इसके किसके हेमरॉइड्स के एग्जामिनेशन पे। क्या है हमारे पास, तो नंबर वन इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन में क्या हो गया, हमारे पास कैन बी प्रोलेप्स कैन नॉट बी प्रोलेप्स, ठीक है। अगर वो प्रोलेप्ड होंगे तो हमें दिखाई देंगे इंस्पेक्शन पे, ठीक है। जो हमारे सेकंड थर्ड और फोर्थ डिग्री जो है वो हमें इंस्पेक्शन पे क्या दिखाई देंगे, प्रोलेप्स दिखाई देंगे, प्रोलेप्स इफ कौन सा है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या होते हैं, हमें प्रोलेप्स दिखाई देते हैं, ठीक है, इफ सेकंड, इफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन के बाद हमारे पास है पल्पेशन। तो पल्पेशन में क्या होगा, पर रेक्टल एग्जाम जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, पल्पेशन कैसे करते हैं हम, पर रेक्टल एग्जाम से, ठीक है। तो पर रेक्टल एग्जाम में हमें क्या मिलेंगे, हमें सॉफ्ट स्पंजी मास फील होगा। क्या होगा, पर रेक्टल एग्जाम में हमें क्या होगा जो है ना, सॉफ्ट स्पंजी मास फील होगा, ठीक है। तो ऑन पल्पेशन पर रेक्टल एग्जाम, एग्जाम क्या फील होगा, हमें फील करेंगे किस चीज़ को, पर ऑन पर रेक्टल एग्जाम वी विल फील अ सॉफ्ट स्पंजी मास, अ सॉफ्ट स्पंजी मास, और सॉफ्ट स्पंजी वेस्कुलर मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस जो है ना हमारा क्या होता है, वैसे जो है ना क्लिनिकली होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक है प्रोटोस्कोपी, क्या बोलते हैं उसे, प्रोटोस्कोपी, ठीक है। तो उसके साथ करेंगे, इसके इसके साथ यू आर गोइंग टू विजुलाइज द रेक्टल म्यूकोसा, ठीक है। तो प्रोटोस्कोपी क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू विजुलाइज, क्या करेंगे हम, विजुलाइज करेंगे किस चीज़ को, रेक्टल म्यूकोसा को, म्यूकोसा। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं हेमोरॉयड्स के कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एनल फीचर हेमरॉइड्स क्या करवा सकते हैं हमारे पास, एनल फीचर। नंबर टू, ये क्या करवाएंगे हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि अल्सरेशन, जब हार्ट स्टूल पास होगा वहाँ से क्या करवाएंगे हमारे पास, अल्सरेशन। इसके अलावा हेमरेज, तो आपको पता है मोस्ट कॉमन है, क्योंकि हेमरेज होगा ही तो ये क्या कहलाएगा, हेमरॉइड्स तभी कहलाते हैं ना जब हमारे पास स्टूल पास होता है और वो पेनलेस जो है ना जो है ना ब्लीडिंग होती है, तो उससे हम क्या क्या बोलते हैं, हेमरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हेमरेज, और हेमरेज के बाद यहाँ पे क्या, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस और इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, किसका, वेंस का। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नंबर से इन्फेक्शन, इन्फेक्शन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इसके बाद हम देखते हैं इसकी, उसके बाद ये इसमें गैंग्रीन भी हो सकती है, सॉरी गैंग्रीन, गैंग्रीन भूल गया मैं, गैंग्रीन, ओके। उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे किसकी, हेमरॉइड्स की, ठीक है। तो इसमें अगर कोई काज होगा तो हम किसी काज को ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेलिग्नेंसी है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मेलिग्नेंसी को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो नंबर वन, ट्रीट द अंडरलाइजिंग काज, ट्रीट द अंडरलाइंग काज, ठीक है। तो नंबर टू इसमें होती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जो डिपेंड करती है ऑन डिग्री ऑफ हेमरॉइड्स, डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ ठीक है, क्या करता है ये, डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ द हेमरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद इसकी करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट,
अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है हम ये देखेंगे। तो जो कंजर्वेटिव हमारा ट्रीटमेंट होता है उसमें हम क्या देते हैं, स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, जिससे वो स्टूल जो है हार्ड ना हो, स्टूल सॉरी स्टूल सॉफ्टनर देते हैं। और उसके अलावा लैक्सेटिव, अगर इन्फेक्शन होगा, इफ़ इन्फेक्शन, तो आप सबको पता है कि इन्फेक्शन में हम क्या देते हैं, एंटी बायोटिक्स। तो इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम देते हैं टॉपिकल स्टीरॉइड्स, टॉपिकल स्टीरॉइड्स और पेन किलर देते हैं। वो भी क्या है हमारे पास, टॉपिकल टॉपिकल एनाल्जेसिक जिसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक। तो मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है पेन है तो हम पेन को ट्रीट किया है, अगर इन्फेक्शन था तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया है, और स्टूल हार्ड था तो उसको सॉफ्ट किया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर इफ ट्रीटमेंट फेल्स, इफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अगर ये जो ट्रीटमेंट हमारा फेल हो जाए, इफ़ द ट्रीटमेंट फेल्स, इफ द मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स, अगर जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाए, वो फेल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। क्या करेंगे, नंबर वन इंटरवेंशन फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ हेमरॉइड्स। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री हेमरॉइड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वेंसिव जो है ना, हमारे जो इंटरवेंशन होते हैं वो कौन से हैं, फॉर एग्जांपल नंबर वन हम करते हैं बैंड लाइकेशन। नंबर वन क्या है हमारे पास, बैंड लाइकेशन। उसके बाद इंजेक्शन स्केलरोथेरेपी, इंजेक्शन थेरेपी 5%। उसके बाद इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी 5% फेनोडायोल। तीसरा हो गया क्या, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी 5%, नंबर थ्री फेनोडायोल, और नंबर फोर हमारे पास है कोगुलेशन इंफ्रारेड रेस, कोगुलेशन से किसके ज़रिए, इंफ्रारेड रेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया हमारी कंजर्वेटिव इंटरवेंशन, जो ना ट्रीटमेंट फेल हो गई तो इंटरवेंशन करेंगे, इंटरवेंशन फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री के लिए। ठीक है, अब हम अगर हम फोर्थ डिग्री को कैसे ट्रीट करेंगे, अगर हमारे पास फोर्थ डिग्री हेमरॉइड हो, फोर्थ डिग्री, फोर्थ डिग्री जो हेमरॉइड्स हमारे पास होता है, इसको हम ट्रीट करते हैं बाय बाय हेमरॉइड्सेक्टोमी, हेमरॉइडेक्टोमी बाय हेमरॉइड एक्टोमी, हेमरॉइड एक्टोमी। एक्टोमी मींस टू रिमूव, टू कट आउट, टू रिमूव आउट। सो हेमरॉइड को जो हमारा हेमरॉइड हुआ है, जो उस पर विस्कुल स्पंजी टिश्यू है, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हेमरॉइड एक्टोमी। ठीक है, ये प्रिजर्व किया जाता है फॉर प्रोलेप्ड हेमरॉइड, प्रोलेप्ड हेमरॉइड के लिए प्रिजर्व किया जाता है। कौन सा, ये हमारा ये ट्रीटमेंट हेमरॉइडेक्टोमी। जैसे हमारा फोर्थ डिग्री जो है वो क्या होता है, उसकी रिडक्शन नहीं होती। ठीक है, उसकी रिडक्शन नहीं होती तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेमरॉइड एक्टोमी फॉर फोर्थ डिग्री हेमरॉइड्स। फोर्थ डिग्री जो हेमरॉइड्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, हेमरॉइड एक्टोमी से उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि हमने ऊपर बात की है कि कुछ के बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, अब कंजर्वेटिव हेमरॉइडेक्टोमी के बाद भी हम कंजर्वेटिव भी देंगे, स्टूल सॉफ्टनर, लैक्सेटिव देंगे और एनाल्जेसिक भी देंगे, और क्या, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स भी देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर हेमरॉइड्स।